जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भाई ये जानते हैं आज के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों रूस ने दुनिया को दी परमाणु युद्ध की धमकी और विदेश मंत्री लावरोव ने कहा तीसरा वर्ल्ड वॉर काफी विनाशकारी होगा। दोस्तों यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर रूस पर लगातार इंटरनेशनल दबाव बनाया जा रहा है, उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में रूस ने पीछे हटने के बजाय दुनिया को धमकाने की कोशिश की है। रूस ने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी देते हुए न्यूक्लियर वॉर छेड़ने की बात कही है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वार्निंग दी है कि अगर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से थर्ड वर्ल्ड वॉर छेड़ा गया तो यह विनाशकारी होगा। और रूस ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मालूम है कि प्रतिबंधों का नतीजा क्या होगा। दोस्तों कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा से यूक्रेन पर बात करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा मॉस्को क्यूव के साथ दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी पक्ष वॉशिंगटन के इशारे पर अपने पैर खींच रहा है। लावरोव ने बताया हम दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन का पक्ष अमेरिका के ऑर्डर पर इधर उधर हो रहा है। वहीं रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार हमले जारी हैं। यूक्रेन में कहीं रूसी मिसाइलें गिराई जा रही है तो कहीं बम के गोले बरसाए जा रहे हैं और लगातार हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का माहौल है। वहीं इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ की इमरजेंसी बैठक में चर्चा जारी है। 193 देश लगातार इस मसले पर अपना पक्ष रख रहे हैं और इस बीच ब्रिटेन ने सुझाव दिया है कि इस मुद्दे पर रूस को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिसमें रूस से सुरक्षा परिषद UNSC की स्थायी सदस्यता छीना जाना भी एक ऑप्शन है। सीधे तौर पर कहें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस से वीटो पावर छीनने की बात कही है। रूसी सैनिकों की ओर से किए जा रहे लगातार हमले की वजह से भारी संख्या में जान माल का नुकसान हो रहा है। वहीं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस मसले को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच तकरार देखने को मिली थी। यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव ने दुनिया को चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन नहीं बचता है तो संयुक्त राष्ट्र भी नहीं बचेगा और इसे लेकर कोई भ्रम ना रहे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए यूक्रेन को बचाना होगा। वहीं रूस के रिप्रेजेंटेटिव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मौजूदा संकट के लिए यूक्रेन ही जिम्मेदार है, क्योंकि रूस ने दुश्मनी की शुरुआत नहीं की थी। यूक्रेन ने अपने ही रेसिडेंट्स और नाखुश लोगों के खिलाफ दुश्मनी शुरू की, बल्कि रूस इस वॉर को खत्म करना चाहता है। वहीं रूस के यूक्रेन में हमले के बाद से अमेरिका समेत पूरे यूरोप की तरफ से रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इस कड़ी में सवाल उठ रहा है कि क्या उन प्रतिबंधों का भारत रूस समझौते पर कोई असर पड़ेगा। इस मौके पर भारत के लिए रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि भारत को S-400 की आपूर्ति में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। S-400 की डील को लेकर रूसी राजदूत ने कहा कि जहां तक भारत को S-400 की आपूर्ति की बात है, इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और प्रतिबंध चाहे पुराने हो या नए, किसी भी तरह से डील में कोई इंटरफेस नहीं होगा। दोस्तों यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। राजधानी क्यू समेत कई इलाकों पर रूसी मिसाइलें शहरों को तबाह कर रही है। खारकीव की लड़ाई भी तेज हो गई है। सड़कों पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी टैंक व बख्तरबंद व्हीकल से दोनों शहर कांप रहे हैं। हमले के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई सोइगू ने कहा है कि सेना यूक्रेन में अपने ऑपरेशन को तब तक जारी रखेगी जब तक कि रूस अपने टारगेट को पा नहीं लेता है। वहीं रूस यूक्रेन जंग के बीच इंडियन एयरफोर्स 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में वायु शक्ति एक्सरसाइज करेगी। इसमें 148 एयरक्राफ्ट अपना युद्ध कौशल दिखाएंगे। वायुसेना के प्रैक्टिस में पहली बार एडवांस फाइटर जेट राफेल भी शामिल होंगे। एयरफोर्स के एक ऑफिसर ने बुधवार को यह जानकारी दी है। एक्सरसाइज के मेन अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स हर 3 साल में पोखरण रेंज में वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन करती है। इससे वह अपनी तैयारी के हर पहलू का प्रदर्शन करती है। पिछली बार 2019 में ये प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस में कुल 148 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इनमें से 109 फाइटर जेट होंगे। ऑफिसर्स के मुताबिक वायु शक्ति एक्सरसाइज 2022 में फाइटर जेट जगुआर, Sukhoi-30, MiG-29, तेजस भी शामिल होंगे। वहीं कई एयरक्राफ्ट भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस एक्सरसाइज में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 और C-130J भी भाग लेंगे। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम और स्पाइडर मिसाइल सिस्टम की क्षमताओं को भी दिखाया जाएगा। वहीं एयरफोर्स के एक ऑफिसर ने कहा है कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इंडियन एयरफोर्स पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि भारत के दोनों देशों के साथ संबंध मजबूत हैं। डिप्टी चीफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जानते हैं कि इस समय जियोपॉलिटिकल स्थिति कठिन है और रूस के साथ हमारे संबंध बरकरार रहेंगे। दोस्तों, रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री हमला शुरू किया था। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इस हमले के बाद रूस पर बड़े इकोनॉमिक और दूसरे प्रतिबंध लगाए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय वायुसेना पर कोई असर पड़ेगा, तो सिंह ने इसके जवाब में कहा, चीजें अभी सामने आ रही हैं। हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और दोनों देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत रहे हैं और आपने यह देखा भी है। उन्होंने बताया, हम स्थिति की जाँच कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीजें मुश्किल होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे हम पर बहुत असर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे भरोसा है कि इसके कारण हम पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 3 प्लेन रवाना हो गए हैं और हम भारतीयों को वहां से बाहर निकालने के लिए हर रोज 4 उड़ानें भर सकते हैं और भारतीयों को वापस लाए जाने तक ऑपरेशन दिन रात जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप ये डिफेंस अपडेट इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डीए ग्लोबल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।